हम यूक्रेन से आए, एक साल रह गए लगभग, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा फीका। हमारा पहले इवैक्यूएशन हुआ था तो हमको इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, जब बाद में आए थे उनको बहुत दिक्कत हुई थी। ये लिखा हुआ है हॉस्टल, तो लगता है वो बैक साइड में होगा। एट द नेम ऑफ मनु दत्त, यस, उसी प्राइस में मेरे को ये हॉस्टल मिल गया है और उससे वे बेटर है। तब मेरे को लग रहा था कि भाई उस प्राइस में कहाँ ही मिलेगा कोई और रूम, सेम प्राइस में मिला है। ये नूडल्स हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलिव डाल दिए हैं और ये थोड़े टमाटर काटे हैं और ये है ककुम्बर खीरा। थैंक यू। एंड कैमरा इज अलाउड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और मैं हूँ उज्बेकिस्तान ताशकंद। ये है मेरा दूसरा दिन यहाँ पे। कजाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी मेरे को काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स मिल गए हैं और ये सभी के सभी MBBS कर रहे हैं। इन्होंने मेरे को बताया ये यूक्रेन से मूव किए हैं, तो चलिए करते हैं इनसे बातचीत। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम मिलते हैं। मायसेल्फ वेदांत शिंदे, मैं अभी फोर्थ ईयर में हूँ। जस्ट 8 months ago we came from Ukraine. How was your experience? Ukraine experience, it was good. It was absolutely amazing. And in here is little bit lower because Ukraine feels like Europe. Okay. Yes. तो भाई आप कहाँ से हो? मैं हूँ दिल्ली इंडिया से। अच्छा जी, आप तो मेरे पास में ही हो। हाँ जी, आपके पास ही। हाँ जी, तो दिल्ली कहाँ पे हो, किस एरिया में रहते हो? वेस्ट दिल्ली। अच्छा, वेस्ट दिल्ली। हाँ जी। okay. अभी वैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तो अब आप लोग सभी जा रहे हो इंडिया वापस? हाँ जी, छुट्टियों में। हाँ जी। और अपना नाम बता दीजिए। माय नेम इज आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा, हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी। नागपुर से। जी। मेरा नाम है हिमांशु पवार। हिमांशु पवार, या पवार भी काफी फेमस नाम। हाँ। सेम डॉक्टर? सेम डॉक्टर, सेम एक्सपीरियंस रहा यूक्रेन। हाँ, मिस करते हैं। okay. क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लैविश लाइफस्टाइल था। लैविश लाइफस्टाइल, हाँ। okay. और थोड़ा यूरोपियन फील देता था। यहाँ पे भी बुरा नहीं है, नॉट बैड, बट हम यूक्रेन से आए, एक साल रह गए लगभग, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा फीका। टीवी पे देखा जब लड़के चल के आ रहे थे, बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। हाँ। आप लोग भी उनमें से? हमारा पहले इवैक्यूएशन हुआ था तो हमको इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, जब बाद में आए थे उनको बहुत दिक्कत हुई थी। तो भाई आप कहाँ से? मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। अनिकेत नाम है मेरा। लास्ट नेम? अनिकेत विभूति। सही चल रही है, फिलहाल हम फोर्थ ईयर में है। फ्रेंड्स, इंडिया में 5 साल का, यहाँ पे 6 साल का होता है। हाँ, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट कॉलेज ज्यादा एक्सपेंसिव है, यहाँ पे चीप है, उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। मेरा नाम हिमांशु इंगले। अच्छा, मैं भी महाराष्ट्र लातूर। ओके, लातूर। हाँ। ओके, अगर कहीं पे मिलना हुआ तो वैसे मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे, दोस्त बनकर मिलेंगे। दोस्त बनकर मिलेंगे, मिलते हैं कभी किसी मोड़ के ऊपर। बाय बाय। अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में अपने दूसरे हॉस्टल में। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी मैं बस पकड़ के आ गया हूँ अपने दूसरे हॉस्टल की ओर। ये मेरे को एक नई बात पता चली है कि उज़्बेकिस्तान में बसों में कंडक्टर होते हैं। तो इतनी देर में वहाँ पे एक लड़का बैठा था, वो मेरे से पूछने का, वे आर यू फ्रॉम? तो वो बोला कि मैं हूँ तो लोकली, बट मैं यहाँ पे स्टडी वगैरह करने आया हूँ। उसके बाद फिर हम बातचीत करनी हमने शुरू कर दी, और थोड़ी देर बाद मेरे को एहसास हुआ कि मेरा तो स्टॉप ही निकल गया है। जो स्टॉप मैंने सिर्फ 200 मीटर चल के तय करना था, वो बातों बातों में लगभग 1 किलोमीटर हो गया। तो वो बोला कोई बात नहीं, आप बैठे रहो, बस दोबारा घूम के इसी सर्कट लूप पे आएगी और पैसे नहीं लगेंगे। कौन भी वेट करेगा 1 घंटा की बस पूरा चक्कर लगा के फिर वापस आए? मैं वहीं पे उतर गया। मैंने सोचा कि 1 किलोमीटर ही तो आया, चल के चले जाते। ताशकंद उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है, तो ऑफकोर्स काफ़ी मॉडर्न होगा ही। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कहीं उस साइड पर मेरा हॉस्टल है, पैराडाइज हॉस्टल। और अब हम चल रहे हैं पैराडाइज हॉस्टल की ओर, और चल के देखते हैं कि वहाँ पे कैसा स्वागत होता है। एक बात और, जो हेलो, जो रजिस्ट्रेशन करवानी होती है ना, मेरे को लगा था मेरे को कोई जाके ऑफिस वगैरह ढूंढना पड़ेगा, बट वो हॉस्टल का जो ऑनर था वो बोला कि ये अब हॉस्टल की या होटल की जिम्मेवारी है रजिस्ट्रेशन करना, और वो बोला मैंने कर दी आपकी। उसने मेरे को एक पीस ऑफ पेपर दे दिया रजिस्ट्रेशन का, कि अगर कोई आपको रोकता है तो आप उसको ये दिखा सकते हो। बट एनीवेज कोई रोकेगा नहीं, जहाँ तक कि मेरा आइडिया है। कजाकिस्तान में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ी, किर्गिस्तान में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ी, उज़्बेकिस्तान में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ी। अब रह गया एक तजिकिस्तान। अब तजिकिस्तान जाके देखते हैं कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह लगेगी या नहीं लगेगी। आपसे बातें करते करते आ गया मेरा हॉस्टल, तो ये लिखा हुआ है हॉस्टल, तो लगता है वो बैक साइड में होगा, क्योंकि वो ऊपर हॉस्टल लिखा हुआ है और वहाँ पे एक एरो बना रखा है दिस साइड। रिव्यूज़ तो इसके अच्छे थे। मेरे को वो जो रशियन भाई एक मिला था बिश्केक में, उसने काफ़ी तारीफ की थी इस हॉस्टल की। पैराडाइज हॉस्टल, ये लिखा हुआ पैराडाइज हॉस्टल। अच्छा, ये एंट्री।
Hello. I got a booking at the name of Manu Dutt. Yeah. Yes. भाई उसी प्राइस में मेरे को ये हॉस्टल मिल गया है और उससे लॉट वे बेटर है. मैं आपको दिखा देता हूँ. ये विंडो है, ये सामने सड़क चल रही है और ये यहाँ पे अंदर दो प्लांट्स रखे हुए हैं और ये लगे हुए हैं हीटर जो अभी काम नहीं आएंगे. और ये है 1, 2, 3, 4, 5 बंक वाला रूम. भाई देखो कितना नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल वाइट पिलोस, वाइट लेनन, वाइट क्विल्ट. और वो मेरे को अभी ये टॉवल दे के गई है, ये सोप है और ये है शैम्पू. यहाँ पे लॉकर दिया है, वहाँ पे मैंने लॉकर पूछा था और उन्होंने मेरे को लॉकर नहीं दिया था. वो बोले थे कि वो लॉकर टूटा हुआ है. अच्छा हुआ उसने मेरे को रूम नहीं दिया, मैं यहाँ पे आ गया. तब मेरे को लग रहा था कि भाई उस प्राइस में कहाँ ही मिलेगा कोई और रूम, सेम प्राइस में मिला है. तो 4 दिन का मैंने पे किया है 2,850 रुपया. बिल्कुल सिटी सेंटर में है और वो थोड़ा सा बाहर था. तो चलिए अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, नहा लूँ, उसके बाद हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. सुबह के हो रहे हैं 10:15. पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या बनाया है. ये नूडल्स हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलिव डाल दिए हैं और ये थोड़े टमाटर काटे हैं और ये है ककुम्बर खीरा और ये है मेरी केचप जो कि है गार्लिक चिली. मैंने जब सॉस ली थी मैंने सिर्फ गार्लिक पड़ा, चिली मैंने पड़ी नहीं. वो थोड़ी अब मिर्ची ज़्यादा तेज लग रही है, बट अब क्या ही किया जाता है, अब इसको ख़त्म तो करूँगा ही. तो चलिए मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद बाहर कहीं पे. अभी एक वहाँ पे दादी बैठी हुई थी, वो होगी 80 साल के आसपास. वो अंदर पहले मेरे को बोली कि चाय पी ले, मैं बोला कि नहीं भाई चाय नहीं पीनी. बाहर आके मेरे से वो सिगरेट मांग रही थी, मैं बोला कि भाई सिगरेट विगरेट तो मैं पीता नहीं हूँ. वो ऐसे हाथ करके बोल रही कि तू सिगरेट नहीं पीता, बड़ी कमाल की बात है. तो चलिए आज पहले मैं ये 3 साइट्स एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ जो कि मेरे पास में ही है. म्यूज़ियम ऑफ टैमरिड्स जो कि तैमूर थे उनका म्यूज़ियम है. सेकेंड इज़ इंडिपेंडेंस स्क्वायर, जब इनको 1991 में सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस मिली थी तब इन्होंने वहाँ से जो लेनिन का स्टैचू था वो हटा के वहाँ पे एक ग्लोब लगा दिया था, तो इन्होंने नाम दे दिया था इंडिपेंडेंस स्क्वायर का. और तीसरा है तैमूर स्क्वायर. तो बस ये 3 साइट्स हैं जो मेरे हॉस्टल के पास में हैं, अराउंड 1.5 से 2.25 किलोमीटर के दायरे में हैं. यहाँ पे ना बिश्के की तरह नहीं है गर्मी, गर्मी है बट वो ना स्किन को नहीं जलाती. और ये सामने देखिए, ये दिखाना भूल ही गया, ये पीछे ना वो जो वाइट बिल्डिंग है जहाँ पे हरे रंग का AKSU लिखा हुआ है, ये सुपरमार्केट है. ये ऐसे है जैसे अपने वो रिलायंस स्टोर होते हैं ना उसके जैसा है. वो देखिए वो जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ना वो यहाँ की लाइब्रेरी है. पहले मेरे को भी पता नहीं चल रहा था, फिर मैंने गूगल मैप्स के ऊपर चेक किया तो बाद में मेरे को पता चला कि ये इनका लाइब्रेरी है. काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी लग रही है बाहर से, अंदर तो मैं गया नहीं. पिछले 2 दिन तो मैं बाहर निकला नहीं, वो परसों वाला दिन तो आपको पता है वो इमिग्रेशन के चक्करों में निकल गया क्योंकि उन्होंने स्टैंप नहीं लगाया था. और कल मेरे को हॉस्टल बदलते टाइम लग गया. और ये देखिए ये घास को पानी दे रहे हैं, ये देते ऑस्ट्रेलिया में भी हैं बट वो ना रात को देते हैं. ये यहाँ पे दिन में भी ऐसा ही चलता रहता है क्योंकि जब मैं था अलमाटी में जो पवेलियन 28 पवेलियन पार्क था वहाँ पे ये जो फाउंटेन वगैरह थे ये दिन में चलते रहते थे जो घास को पानी वगैरह देते हैं. और यहाँ की जो बसेज हैं उनका मेरे को इंडियन भाई जो मिले थे पुराने हॉस्टल में उन्होंने बताया था कि 1200 सोम लगेंगे, बट लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उसने अराउंड 1600 सोम चार्ज किए थे. और ताशकंद की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ताशकंद काफ़ी फेमस है इंडिया में. जो हमारे शास्त्री जी थे उनका जो निधन था वो हार्ट अटैक से ताशकंद में ही हुआ था. वो होटल भी यहाँ पे कहीं पास में ही है, वो मैं देख रहा था. और उसके रूम 101 में शास्त्री जी रुका करते थे. कोशिश करूंगा मैं वो जो होटल है वो भी एक्सप्लोर करूँ. बिश्केक जैसे वो थोड़ा बैकवर्ड लग रहा था ना किर्गिस्तान, ये वैसा नहीं है. इसको आप कजाकिस्तान के साथ कंपेयर कर सकते हो. जो मेन सिटीज हम कवर करेंगे वो है बुखारा और समरकंद. खीवा का भी मैं श्योर नहीं हूँ, किसी ने मेरे को बताया है कि यहाँ पे जो ट्रेन है ना वो इतनी जल्दी से मिलती नहीं है कि जो एजेंट्स हैं वो पहले टिकट्स वगैरह ले लेते हैं और बाद में वो पता नहीं कैसे भेजते हैं क्या हिसाब किताब है. अब लैंग्वेज बैरियर की वजह से पता नहीं टिकट मिलेगी या नहीं, अदरवाइज मेरा प्लान था कि यहाँ से सीधा खीवा की ट्रेन लेने का और खीवा से फिर बैक आता बुखारा और फिर समरकंद, बट मेरे को लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा. मेरे को लगता है मेरे को बसेस से ही जाना पड़ेगा. बाकी जो मेरा हॉस्टल है ना वो बिल्कुल सिटी सेंटर में है. 725 रुपये में इस लोकेशन पर ऐसा हॉस्टल मिलना, मेरे को डिस्काउंट मिला था एक्चुअली अगोड़ा से क्योंकि मैं सारे जो अपने हॉस्टल होटल्स हैं उन्हीं से बुक करता हूँ, तो उन्होंने मेरे को पता नहीं कितने परसेंट डिस्काउंट दिया था इसलिए मेरे को ये 725 का पड़ा. अदरवाइज ये शो कर रहा था अराउंड अबाउट 800 850 के आसपास. वो सामने है हयात रेजेंसी,
हयात होटल काफ़ी फेमस है, वो सभी को पता ही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अमीर तैमूर स्क्वायर की ओर। सोवियत यूनियन के टाइम पे एक का नाम था मॉस्को स्ट्रीट और दूसरे का नाम था कैफमैन स्ट्रीट। जबकि सोवियत यूनियन का विघटन हुआ उसके बाद इनके नाम चेंज कर दिए गए। मॉस्को स्ट्रीट का नाम हुआ तैमूर स्ट्रीट और कैफमैन स्ट्रीट का नाम हुआ मिर्ज़ा उलग बेग स्ट्रीट। मेरे को लग रहा था मिर्ज़ा है बट वो मिर्ज़ा नहीं है, मिल्का उलग बेग स्ट्रीट। मेरे को लगता है मैं वहाँ पर पहुँच ही गया हूँ। तो ये वो म्यूज़ियम आ गया पहले। हाँ, ये है स्टेट म्यूज़ियम ऑफ तैमूरिड्स। तो ये भी जो तैमूर थे उनको समर्पित है ये म्यूज़ियम। इन शॉर्ट जो मेरे को समझ आया वो ये है कि ये जो म्यूज़ियम है ना, ये अपना जो पुराना कल्चर है उसको दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी आर्किटेक्ट लगा है, पुराना आर्किटेक्ट है और नया आर्किटेक्ट है, उसका आपको यहाँ पे मिक्सचर मिल जाएगा। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि अंदर है क्या और कैमरा अलाउड है या नहीं है। तो मैं ये यहाँ पे ऊपर आ गया था यहाँ पे एंट्री करने, बट ये यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर थ्रू द बॉटम डोर। तो जो वो नीचे वाला दरवाज़ा है वहाँ से इसकी एंट्री होगी। तो चलिए चलते हैं नीचे वाले दरवाजे की ओर। इतना शुक्र है भाई इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ऊपर चलो ठीक है उस बैग में लिखा हुआ है, बट एटलीस्ट नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश में। क्योंकि ज़्यादातर मैंने यहाँ पे जो साइट्स विजिट की है उज़्बेकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में इंग्लिश तो थी नहीं भाई, वो तो बस पूछना पूछना पड़ता था। बट उज़्बेकिस्तान एक टूरिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ी मल्टी लैंग्वेज में आपको इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई मिल जाएंगी। थैंक यू। एंड कैमरा इज अलाउड? ओके, दिस वन? थैंक यू, ऑल गुड, थैंक्स। Okay, thank you. Thanks. Hello. This way or this way? Yes. Mm-hmm. Yes. No, I got the ticket. I got the ticket for camera. Camera? Good. Okay. जो कि 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, उसका ये एक मॉडल है जो प्योर कार्डबोर्ड से तैयार किया गया है। हाँ, कैमरे की टिकट महंगी है आपकी अपनी टिकट से। आपकी टिकट आ जाएगी कुछ 25,000 सोम की, जो कि बनेगा 180 रुपये, बट जो कैमरे की टिकट है वो आएगी 40,000 सोम में, जो कि बनेगा कोई 125 रुपये। तो भाई इतनी इतनी बड़ी किताबें थी उस टाइम पे पढ़ने के लिए। इनसे मैंने पूछ लिया, इन्होंने मेरे को कन्फर्म कर दिया कि वो जो जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो सारी अपने इंडिया की पेंटिंग्स हैं। पहले मेरे को शक था बट अब मैं कन्फर्म हो गया हूँ। तो ये देखिए, ये ग्रीन वाला पूरे का पूरा इनका एम्पायर था और ये दिल्ली तक आया हुआ है, ये आप देखिए।